गणपति बप्पा और यहाँ पर अगर आपको छोटी मूर्तियों के लिए आना है तो भाई बिंदास और बहुत 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 प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। मतलब बोले क्या सर ना बोले कि उनके साथ में ना छोटे बच्चे है करके, छोटे बच्चे को आने दो करके, समझे भाई कि मतलब ना अरुण दत्त सर भाई इतने मुझे मतलब इतना अच्छा लगा ना उनका ये वाला जो बोला ना उन्होंने, तो फिर मैंने सर को बोला सर बहुत अच्छा लगा मुझे ये, तो बोलते हाँ मैं भी छोटा था तो सब भगा देते थे तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बच्चे लोग को ना भाई एंट्री है। तो देखो गाइस एक और ट्रॉली आ गई जीजा माता नगर जो कि यहीं परेल के आसपास ही है। गणपति बप्पा जय श्री राम। नमस्कार सस्त्री अकाल मित्रानो, तो तुमचा स्वागत है माझा एक नवीन ब्लॉग मधे। तो दोस्तों आज मैं फिर से जा रहा हूँ परेल वर्कशॉप, जैसा मैंने मेरे लास्ट परेल वर्कशॉप वीडियो में बोला था कि भाई मैं खुद से अपडेट ले आऊँगा परेल वर्कशॉप का, कोई नहीं कहेगा। तो भाई मैंने गैरी दादा का ब्लॉग देखा, अक्सर मैं ना गैरी दादा का ना हर ब्लॉग देख ही लेता हूँ, एक दो दिन आगे पीछे होता है तो मतलब देख ही लेता हूँ ब्लॉग, जैसे जैसे टाइम मिलते हैं मैं उनके ब्लॉग्स नहीं छोड़ता, तो क्योंकि पता नहीं क्योंकि। तो भाई आज ही मैंने उनका ब्लॉग देखा परेल वर्कशॉप का, न्यू अपडेट डाला उन्होंने, तो भाई मैं भी आ गया हूँ आज आपके लिए परेल वर्कशॉप का अपडेट लेके। हाँ और मैं बाहर से ही शूट करूँगा जैसे गैरी दादा की, और मैंने आपको साथ में ट्राई करूँगा अरुण दत्ते सर का भी वर्कशॉप ट्राई करने और गणेश अंकुल का भी, मतलब मैं ना वहाँ पर जाऊँगा अंदर और ना बाहर से मैं आपको बताऊँगा कि काम क्या हुआ है। मैं ना आपका मंडल के नाम नहीं बताऊँगा, कोशिश यही रहेगी कि इस मंडल की गणपति रेडी हो चुकी है ऐसा नहीं बताऊँगा मैं आपको, मतलब मूर्तियाँ नहीं दिखाऊँगा, कोशिश यही रहेगी जितना रहेगा ऐसे बाहर से शूट करके दिखाऊँगा। तो मित्रानो हाँ मेरे सब्सक्राइबर ने बोला ऐसा कि भाई कि अगर आप वीडियो में ऐसा बोलोगे करके कि लाइक करो तो पब्लिक लाइक करती है, कमेंट करो तो पब्लिक कमेंट करती है, सब्सक्राइब करायला जर सांगल सांगते तुम्ही, चुकी झाली तर माफ करा कारण मी आता शिकतो अभ्यास करतो, मी मला येते नाही पूर्ण मराठी पण मी ट्राय करते, ओके गणपती बप्पा मोर्या। तो सब्सक्राइब करणे बोलोगे तो वो सब्सक्राइब करणार, तो मैं बोल रहा हूँ भाई आपको कि लाइक करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर देना क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका परेल वर्कशॉप के मेन गेट पर, और अब गेट तो भाई बहुत ज़्यादा निकरा निकरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर VFX यानी ये डेकोरेशन वाले, ये देखो इतने सारे बैनर आ गए और फिर बप्पा के आगमन के बैनर आ गए, टी शर्ट के बहुत सारे बैनर आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मुंबई का महाराजा धीराज 31 अगस्त को इनका आगमन है, साकी नाका के है जो कि, और यहाँ पे धारावी च वरद विनायक इनका आगमन 28 अगस्त को है। यहाँ पे पेपर ब्लास्ट के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं संतोष पॉल को, या फिर आप इनका चाहिए अव्यान इवेंट सर्विस का, या फिर ये चाहिए, ये तो देखो यहाँ पर दही हंडी गणेश जयंती नहीं मेरे ख्याल से वो गणेश चतुर्थी आएगा, और नवरात्रि वेडिंग इवेंट पार्टी ऑल प्रोग्राम वो सब कुछ सारे प्रोग्राम्स के लेते हैं। रवि निकम यहाँ पर इनका गणेश उत्सव का देख लो ये, और एक जो महाराजा SFX करके भाई एकदम छोटा बैनर लगा के रखे हो अंकल, आप देख रहे हो तो मेरी वीडियो पे एक बार कमेंट किया था SFX भाई साहब आपने, तो देखो ये सारे बैनर ना अभी भारी पड़ रहे हैं आपके छोटे बैनर पे, तो आप बैनर ना चेंज कर लो लगे तो। और भी यहाँ पर ये देखो महाराजा गोड़ गणेश उत्सव छाया चित्रांश प्रदर्शन व स्पर्धा 2-3-4 अगस्त, हाँ ये जो मतलब क्या बोलते हैं वो अपना, अरे यार ये मुंबई गणेश उत्सव जो ऑफिशियल पेज है उनके पेज पर ना ये कंटिन्यू। अच्छा ढूंढ रहे थे क्या? मैं कितने दिन तक आपको ही ढूंढ रहा था भाई। अरे थैंक यू सो मच गणपति बप्पा मोरिया, अभी हम लोग साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखो पंचशील निवास, यहाँ पर देखो इन्होंने तो वो भी रखा है भाई कॉम्पिटिशन भी रखा है, प्रथम 3000 सेकेंड 2000 और थर्ड 1000 उसके लिए, मतलब रील वगैरह के लिए फोटोग्राफी के लिए। यहाँ परेल वर्कशॉप से 14 सितंबर को मूर्ति निकलेगी पंचशील निवास 5वां कमाठीपुरा 5वीं गली का है ये बप्पा उनका ना, देख लो भाई कॉम्पिटिशन है तो रील्स वाले भाई लोग आ जाना। हाँ तो यहाँ पर ये देखो RCD इवेंट इन्होंने भी एक लगा दिया भाई अपना बैनर, तो देखो बहुत सारे बैनर आ गए कंपटीशन में, तो महाराजा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना बैनर बड़ा कर लीजिए। और यहाँ पर ये देखो 43 वर्ष संतोष नगर सा राजा आगमन 16, इनका डेट क्या है 25 अगस्त को सुबह 11 बजे परेल वर्कशॉप से निकलेंगे पप्पा। तो भाई अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो ये लो और भी भाई बहुत सारे बैनर लग गए हैं यहाँ पर, तो मैंने आपको बस आगमन दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सामने देखो कलागंधार यानी अपने सिद्धेश सर का, इस तरफ उनका वर्कशॉप है, इस तरफ ये देखो
बल्लारी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल आगमन सोहला। देखो यहाँ पर भी ये देखो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्पर्धा, फर्स्ट पहले को 3000, दूसरे को 2000, पहले को और फिर तीसरे को 1000। 4 अगस्त को 11 बजे कलागंधार यानी अपने सिद्धेश्वर के वर्कशॉप से मूर्ति निकलेगी। ये मूर्ति कहाँ की है? अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर देखो मिलिंद, अपने गिरगांव से लड़का मिलिंद दादा है यहाँ पर ढोल ताशा बजाने को। और ऊपर यहाँ पर मुंबई उपनगरीत राजेश दिगंबर माइकर, हाँ पेशवा आर्ट करके यहाँ पर आ गया है, उनकी 10 मूर्तियाँ यहाँ पर है। कुछ दिन पहले मैं पेशवा आर्ट गया था, वहाँ पे जो इनका मेन वर्कशॉप है वहाँ पर वीडियो कवर करके आया हूँ, तो वो आपने देखी ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना जो पहला वाला ना, वो देखो। और ये देखो यहाँ पर भव्य आगमन सोहला कुम्भारवाड़ियाचा महाराजा, भाई सच में इनका मूर्ति भी बहुत बड़ा रहता है। लास्ट टाइम मैंने कवर किया था 18 अगस्त को आगमन है इनका इधर पे। और आगे बढ़ता हूँ, देखो ईश्वर आर्ट की छोटी मूर्तियाँ, ईश्वर आर्ट की बड़ी मूर्तियाँ, वहाँ पर पोहेकर आर्ट, उसके पीछे पेशवा आर्ट, उसके पीछे राजू शिंदे सर का वर्कशॉप और यहाँ पर सिद्धेश्वर का वर्कशॉप। मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस तरफ ना छोटी मूर्तियों का आर्ट से छोटी मूर्ति आप ले सकते हो, चलता हूँ छोटा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइज देखो मैं आ चुका हूँ परेल वर्कशॉप के पीछे, यानी यहाँ से स्टेशन का रास्ता है ये, और ये स्टेशन से लेफ्ट मारेंगे तो यहीं पे है परेल वर्कशॉप ये। तो मैंने ना आपको ना सारा दिखाया भाई, जैसा मैंने बोला था कि मैं वीडियो में नहीं कवर करूँगा, तो मैं इस वजह से कवर किया ना क्योंकि ना बप्पा के ऊपर ना धोती पहना दिया गया, बप्पा को धोती पहना, मेरे वीडियो में जितना भी देखोगे ना आप, जो बप्पा फुल है ना, फुल मतलब जिनको कपड़े पूरे पहना दिए गए हैं नीचे के, वही वीडियो कवर किया है मैंने। बाकी मैंने आपको पेशवा आर्ट का भी दिखाया, पेशवा आर्ट का नहीं पहनाया था तो पेशवा आर्ट मैंने ऊपर से दिखाया आपको। और हमारे जो खेतवाड़ी सातवीं गली बप्पा है ना, वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, उनका बस फिनिशिंग का, कलरिंग का और भी कुछ काम होगा वो मूर्तिकार को पता है, वो बस बचा है, बाकी पूरी मूर्ति ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं मुंबई में पहला आगमन जो है वो लगभग ना अगस्त के पहले हफ्ते से ही है, पहले हफ्ते से ही मुंबई का पहला आगमन शुरू हो जाएगा, तो आगमन मिस मत करना भैया। सारी वीडियोस जितनी हो सकेगी ना सारी कोशिश करूँगा पूरी वीडियोस बनाने की। और मैंने ना जितना भी वीडियो आपको दिखाया ना, और देखो खेतवाड़ी बाबू, उस दिन मैं लास्ट वीडियो में जब आया था तो एक ना वो ना रॉड का कुछ तो बना रहे थे मोर जैसा, तो वो खेतवाड़ी सातवीं गली उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे भी अपना वो मतलब जो है मूर्ति जो बना रहे हैं जिस हिसाब से बप्पा को बदक के ऊपर वो उन्होंने रिवील कर दिया। तो यहाँ पर ना अभी वो बन चुका, मतलब मूर्ति पूरी बन के रेडी हो चुकी है। मुझे आया परेल वर्कशॉप 7-8 दिन हुआ है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, तो मैंने पूरा कोशिश किया भाई। और अंदर ना एक नोटिस लगी हुई है कि ना बप्पा के अगर ना मतलब मूर्ति बराबर नहीं है तो वीडियो ना निकालो, और दूसरा वीडियो बनाने के पहले परमिशन लो, ऐसा भी लिखा था। और तीसरा ना सबसे ज़रूरी कि मतलब कि अपनी जो वाहन है ना 2-व्हीलर 4-व्हीलर ये परेल वर्कशॉप के अंदर और बाहर कहीं भी खड़े करो ना, तो ऐसा खड़े करो कि व्यवस्थित रहे भाई, आने जाने को दिक्कत नहीं। और भी देखा ना भाई, बहुत सारे मूर्तियाँ, बहुत सारे पार्ट आए हैं आज, जैसे अभी एक आए जीजा माता नगर का और उसके पहले धारावी की एक आई। तो अब मैं यहीं से चलता हूँ, कहाँ पर चल रहे हैं अभी हम लोग? गणेश अंकुल मंडल चल रहे भाई वर्कशॉप, तो चलो भाई चलते हैं गणेश अंकुल, इधर से नहीं इधर से जाएंगे, ठीक है चलो इधर से लेफ्ट मारेंगे तो जल्दी आएगा, तो भाई चलते हैं गणेश अंकुल। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अरे बस।
गढ़ संकुल के पहले आगे अरुण दत्ते के वर्कशॉप पर, यहाँ पर एंट्री करते ही ना सबसे पहले एक गार्ड बैठे रहेंगे भाई, मतलब मंडल के यहीं के, वो एंट्री नहीं देते हैं। वो सर जब अलाउ करते हैं अरुण दत्ते सर, तब एंट्री देते हैं। वो अभी फ़िलहाल थे, शायद आप आओ तो ना रहे, शायद आप आओ तो रहो, रहे तो वो बोलते हैं सर से कांटेक्ट करो, सर हाँ बोले तो एंट्री देंगे, नहीं तो नहीं एंट्री देंगे। ऐसा है अरुण दत्ते सर के वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में ना बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। लगभग मान लो कि मूर्तियाँ बन के रेडी हो चुकी है, एक दो मूर्तियों पर कपड़े पहना दिए गए हैं, धोती, और भी अभी बहुत सारा काम चालू है। जैसे यहाँ पर ये नीचे देखो ना, अभी यहाँ पर काम चालू है ये पूरा। तो मैं अभी मूर्तियाँ तो आपको ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ, बाकी एंट्री करते ही अरुण दत्ते सर काम कर रहे थे। आप लोगों ने देखा ना कि हाथ में स्केच था बप्पा का, कि हाथ में स्केच था बप्पा का, और फिर वो मूर्ति बना रहे थे। तो मैं अभी ना आपको ना ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ मूर्ति। आदरणीय गुरुजी, तो ये देखो यही है अरुण दत्ते सर का ऑफिस भाई। इतना सिंपल सा ऑफिस रखा है, यानी मंडल को आना है भाई, सर वहाँ पे, यहाँ पे बैठो आप, चेयर लग जाएगी, बात करो और फटाफट फिर मुझे काम करने। तो बहुत छोटा बहुत सिंपल ऑफिस रखा है, और सबसे बढ़िया उन्होंने बप्पा को बना के नीचे अपने गुरुजी को बनाया है। और यहाँ पर जैसा बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर पहला आगमन 17 अगस्त को है। तो अब चलता हूँ भाई गण संकुल की तरफ। गाइस, अरुण दत्ते सर के वर्कशॉप से निकलकर मैं आ चुका हूँ गढ़ संकुल में, गढ़ संकुल। और भाई मैं पता हूँ अरुण दत्ते सर की ना भाई एक तारीफ़ करना चाहता हूँ भाई, बहुत 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 अच्छी। ऐसा कुछ भी नहीं भाई कि मैं उन्होंने मुझसे कुछ बोला, मुझसे अच्छे से बात किया या फिर कुछ हुआ हमारे बीच, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। मैं देखो अभी एक वीडियो डाला ना, बिल्ली के साथ में बैठा हुआ था भाई, बिल्ली खिला रहा था। तो वहीं पर ना गेट पर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक अंकल बैठे रहेंगे, वो एंट्री देते हैं सर बोले तो ना सर का ध्यान पड़ा गेट पर ना, छोटे छोटे ना बच्चे लोग थे और उनके साथ ना अंकल थे, तो ना वो वॉचमैन तो नहीं आने दिया अंकल ने, उन्होंने तो भगा दिया करके भाई, नहीं अलाउ है करके। तो पता है सर वहाँ से मूर्ति बना रहे थे, वो उधर से आए, बोलती क्या ना बोलाओ त्यांचा सोबत लहान पोरे है, मतलब बोले क्या सर ना बोले कि उनके साथ में ना छोटे बच्चे है करके, छोटे बच्चे को आने दो करके, समझे भाई। कि मतलब ना अरुण दत्ते सर भाई इतने, मुझे मतलब इतना अच्छा लगा ना उनका ये वाला जो बोला ना उन्होंने, तो फिर मैंने सर को बोला सर बहुत अच्छा लगा मुझे ये, तो बोलते हाँ मैं भी छोटा था तो सब भगा देते थे, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बच्चे लोग को ना भाई एंट्री है, तो मैं बता रहा हूँ भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे, वो देखो वो छोटी बच्ची, तो ऐसे बच्चे रहेंगे ना भाई, उनको ना एंट्री, अरुण दत्ते सर ने देखा ना भाई तो एंट्री देंगे पक्का है 110%। ब्लॉगर्स को नहीं मिलेगा, कैमरामैन को नहीं मिलेगा, वीडियोग्राफर को नहीं मिलेगा, बट भाई छोटे बच्चों को एंट्री मिलेगी अरुण दत्ते वर्कशॉप में। तो देखो यहाँ पर आप गढ़ संकुल में आओगे ना, तो आपको ना बड़ी मूर्तियों के साथ साथ ना छोटी मूर्तियों का भंडार देखने मिलेगा। यहाँ पे श्री गणेश चित्रशाला, वहाँ पे सार्थक आर्ट, यहाँ पर अमर आर्ट्स, और आगे भी बहुत सारे, देखो वहाँ पे श्रेया आर्ट्स, और एक चीज़ दिखाओगे मज़े की, यहाँ पर ना वीडियो शूटिंग बिल्कुल नहीं आ रहा, यहाँ तो ऐसा सुन रहा हूँ मैं कि भगाते। ये देखो आपको एक डंडा दिख रहा है बीच में लगाया हुआ, पीछे देखो मूर्तियाँ ना बड़ी बड़ी बन के ना सारी मूर्तियाँ रेडी हो गई, सारी की सारी बन के रेडी हो चुकी है। ये बीच में ना बैनर मार के ना एक डंडा डाल दिया भाई एंट्री ने अंदर किसी को। और इस तरफ देखो, ये यहाँ पर देखो छोटी मूर्तियों का, यहाँ भी छोटी मूर्तियों का, पीछे भी वो जो वर्कशॉप है वहाँ पर भी ना, वहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ, उसके पहले यहाँ पर वेड़े ब्रदर्स स्टूडियो, साई गणेश चित्रशाला। ये देखो यहाँ पर आप आ सकते हो घर के छोटी मूर्तियों के लिए, छोटी मूर्तियों के लिए बुकिंग के लिए। इतने प्यारी 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 मूर्तियाँ देखो, लाल बाग बप्पा के रूप में, दगड़ू शेठ के रूप में, मतलब छोटा सा यहाँ पर प्रारंभ कला मंदिर, मतलब बहुत सारे वर्कशॉप मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे वर्कशॉप यहाँ पे मिल जाएंगे छोटे बप्पा के लिए। तो आप ज़रूर आना एक बार गढ़ संकुल वर्कशॉप। ओ हो, ये देखो भाई बाहर से ही देख के मज़ा आ गया दादा, एक मिनट।
ये देखो लाल बाग सा राजा कितना मस्त बनाया इन्होंने, कितना प्यारा डेकोरेशन है। प्रारंभ आर्ट्स में, हाँ प्रारंभ में आप गण संकुल में आना ना, प्रारंभ में आओगे आपको सामने दिख जाएगा। तर चला मित्रांनो, आजचा ब्लॉग इथे संपूया। आजचा ब्लॉग संपवायचा वेळ आला, तो मैं गणसंकुल में ही भाई अपना ब्लॉग वीडियो एंड कर रहा हूँ। बाकी इधर और इधर दोनों भी जगह जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं तिथे नो एंट्री आहेत, म्हणून मी आतमध्ये नाही गेला, कारण ते लोग पूर्ण व्यवस्थित बॅरिकेड लावले है। आणि तुम्हाला इकडे पण नाश्ता वगैरह चहा वगैरह पीने का है तो यहाँ पर आप तुम्हाला काउंटर एक शॉप नुक्कड़ भेटणार है। और यहाँ पर अगर आपको छोटी मूर्तियों के लिए आना है तो भाई बिंदास हो, बहुत 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 प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो बस अपना ब्लॉग वीडियो एंड करता हूँ। बाकी अगर भावा लोग काही तरी चुकी झाली ना माझी मराठी मध्ये आणि ब्लॉग शूट में और फिर उसमें मतलब वर्कशॉप में कवर करते हुए काही तरी चुकी ढाली तो भावा लोग माफ करा मला। नीचे खालती गणपति बाप्पा मोरया नक्की कमेंट करा आणि लाईक करा, कमेंट करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब पण करा। तो चला भेटू या नवीन ब्लॉग मध्ये, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय श्री राम।